और इसी प्यारी सी सुबह के साथ हेलंग में देखो प्यारी प्यारी धूप निकल करके आ रही है। तो आज का सफर यहाँ से होने वाला है पंच केदारों में से पांचवा केदार कल्पेश्वर। तो कल शाम में रुका था इस वाले होटल त्रिशूल में। जब भी आप बद्रीनाथ यात्रा कर रहे हों तो आप हेलंग में भी रुक सकते हैं, शाम को रुकने की रहने खाने सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आपसे कुछ बात करते हैं, नए दिन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का अतुल्य देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत हसीन वादियों में। मुझे पता तो चला है कि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, परंतु एक भैया ने बताया कि आपकी बाइक चले जाएगी आसानी से। तो यहाँ से रहा रास्ता, तो हेलंग से नीचे उतरना है कल्पघाटी कल्पेश्वर महादेव स्वागत है। अब देखते हैं रास्ता कैसा है, अगर ऐसा भी रहेगा तो मैं चला जाऊँगा और फिर भी देखते हैं। मुझे कुछ दिन पहले एक भैया का कमेंट आया था कि आप अपने 100 दिन पूरे होने के बाद एक 100 दिन का पूरा वीडियो बनाओ कि आपको कैसा लगा और 100 दिन की यात्रा आपकी कैसी रही। और फिर ये भी आया था कि आप 10 दिन का हर 10 दिन में एक ऐसा वीडियो, एक ऐसा एपिसोड निकालो जो कि आप 10 दिन का उसमें बताओगे कि कैसा रहा, कहाँ कहाँ गए, क्या आपका मतलब कि कैसा लगा उस क्षेत्र में। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा बहुत डीपली काम कर रहा हूँ कि एक अच्छे खासे एपिसोड की तैयारी कर रहा हूँ। देखो बहुत जल्दी आई होप कि वो तैयार हो जाए। जैसे उत्तराखंड के चार धामों में चार अलग अलग नदियाँ हैं, वैसे ही इस बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा नदी और चलते चलते अलकनंदा के भी दर्शन हो गए हैं। अभी मुझे ये वाला ब्रिज क्रॉस करके जाना है, आगे पड़ेगा उर्गम। उर्गम का बहुत ही मैंने नाम सुना है, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा गांव है। अब वहां जा कर के पता चलेगा ज़्यादा, तो अभी इसी रास्ते जाना है। रास्ता तो डेंजरस है ही, पर आराम से चलना पड़ेगा इसमें धीरे धीरे। सच बताओ ना दोस्तों, उर्गम को जाने वाला रास्ता बड़ा दुर्गम है और हालत ख़राब हो गई है 5-6 किलोमीटर में ही। अभी पता नहीं कितना रास्ता ऐसा आएगा। अरे भैया चढ़ जा मेरी धन्नो, चढ़ जा। ये भैया ना जो हालत ख़राब हो जा रही है, पीछे तो एक जगह ऐसा था ना, कहाँ कैमरा चालू करना, वहाँ तो मैं चालू हो जाता। वो तो सही हुआ मैं थोड़ा निकल गया साइड से। भैया इतना ख़तरनाक का रास्ता है करके तो मुझे पता ही नहीं था, मैं गाड़ी ही नहीं लाता इधर। वो एक भैया मिले, बोल रहे हैं नहीं आपकी गाड़ी चले जाएगी आप चले जाओ। मुझे भी आया जो गाड़ी उठाई चल दिया, लेकिन पता नहीं था यार इतना ख़तरनाक का रास्ता है। सच बताऊँ बड़े ही दुर्गम रास्ते को पार करने के बाद अभी मैं लियारी गांव में पहुंच चुका हूं। अब लियारी से उर्गम का रास्ता देखते हैं कैसा रहता है। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद पूरे उर्गम का व्यू देखने को मिला, जो कि बहुत ही सुंदर और प्यारा सा लग रहा है। अभी मुझे उर्गम से थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा मंदिर के लिए। यहाँ से उर्गम के लिए रास्ता तो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि गाँव के बीच से गया है। अब इस नाले से निकलना किसी टास्क से कम नहीं है। अब देखते हैं हम निकल पाते हैं या नहीं। बहुत पानी तो लग रहा है इसमें और ख़तरा भी बहुत है। अरे रे 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 रे, कहाँ चले गई गाड़ी? अरे जूता भी भीग गया पूरा। अब गाड़ी अटक गई बीच में, पीछे आ जा, आगे पत्थर लग गया है बड़ा सा। एक जूता मेरा पूरा भीग गया है, पूरा भीग गया एक जूता, ये पूरा जूता भीग गया है, ये ओहो। जूता खोल के मैंने सुखाने के लिए डाल दिया है धूप में, अभी एक ही जूता लगा रखा है। जूता सूखता है तब तक अंकल जी से करते हैं बातचीत। क्या बना रहे हैं अंकल जी? ये टोकरी ये तो कंडी बन रही है, ये टोपी है। अरे वाह, घर पे ही बनाते हैं सब? बनाते हैं। आपका शुभ नाम? यह है मेरा तपता
बहादुर राम हस्तकला रिंगाल उद्योग उर्गम। ये अच्छा, सही लग रही है, है? जम रहा है पक्का। ये कंडी कितने का आता है? ये आता है, आ जाएगा 7-8 सौ रुपए का। 7-8 सौ रुपए का आता है। हॉट पॉट, ये रोटियां रखने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। हॉट पॉट दिखाइए। हॉट पॉट ये अरे वाह। ट्रेनिंग ली थी आपने या खुद ही बचपन से, मतलब ऐसे बुजुर्ग लोग करते आए, आप सीखते आए? ट्रेनिंग दिया भी। अच्छा। उर्गम से होते हुए अभी मैं बड़ी मुश्किलों के बाद जो है कल्पेश्वर मंदिर के पास मैं पहुंच चुका हूं। कल्पेश्वर मंदिर रहा सामने और देखो सामने वाटरफॉल कितना प्यारा सा लग रहा है ना। अभी वहीं से है रास्ता, लेकिन उससे पहले दिखा देता हूँ यहाँ पे रही पार्किंग सुविधा। तो पार्किंग के लिए काफी बड़ा सा ग्राउंड बना हुआ है, आप अपनी गाड़ी को इजीली यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। इससे पहले था ऊपर ब्रिज, वो वाला ब्रिज जो है टूट चुका है बाढ़ में, और अब जो है ये नया ब्रिज बना रखा है। मंदिर में पहुंचने के लिए पुल को पार करने के बाद कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। अब जाकर के मैं पंच केदारों में से लास्ट यानी पंच केदार कल्पेश्वर में पहुंच चुका हूं। आइए कल्पेश्वर मंदिर में पहले दर्शन करते हैं और फिर आपको संपूर्ण जानकारी से अवगत कराने की कोशिश करते हैं। पंचम केदार जो है भगवान कल्पनाथ जी, कल्पनाथ में जो है भगवान की ये जटा है, ये ऊपर अच्छा। जो दिखाई दे रही है ये जटा है, जटा की पूजा होती है और जटा का ही दर्शन होता है। जटा से जल निकलता है, पीछे आपने वो धारा देखा होगा यहाँ पर अच्छा। मंदिर के पीछे वहाँ पर पीछे से कुआं है, कुएं में बूंद बूंद पानी इकट्ठा होता है और नल के द्वारा बाहर आता है, भगवान का अभिषेक किया जाता है उस जल से। और जो है दैनी तक बगल में जो है यणावती नदी बहती है, यणावती जब भगवान के चरणों से नीचे को निकलती है इसको कल्पगंगा बोलते हैं। अच्छा। कल्पगंगा जो है त्रिवेणी में जाकर के अलकनंदा से मिल जाती है, अलकनंदा देवप्रयाग में जाएगी गंगा से मिल जाएगी। ये मंदिर बारह महीना खुला है, बारह महीना पूजा अर्चना होती है। चार केदार जो है शीतकालीन में बंद हो जाते हैं। अब इस घाटी में, इस घाटी में जो है ये उर्गम वैली है, दुर्वासा ऋषि ने यहाँ पर तप किया है इस भूमि में। अच्छा, उर्गम। दुर्वासा ऋषि का आश्रम है यहाँ, यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर, इसलिए जो है इस घाटी का नाम उर्गम पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो है पंचवदगी में, ध्यान वदगी में यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे गाँव की तरफ। और ये जो है यहाँ पर जो है पंच केदार में जो है कल्पनाथ जी में, कल्पनाथ जी के दैनी तरह 15 किलोमीटर पर जो है बंसी नारायण जी है ऊपर टॉप में, जहाँ भगवान सूर्य नारायण जी आ गए। पूरब की तरफ जो है बंसी नारायण का बहुत काफी ऊंचा मंदिर है, पुराना मंदिर है, कभी वर्षों का वहाँ भगवान चतुर्भुज में बंसी बजाते हुए। अच्छा। यहाँ से 4 किलोमीटर बाई तरफ 12 बजे की लाइन में सीधा 4 किलोमीटर ऊपर यहाँ पर जो है फूल नारायण जी का मंदिर। अच्छा। वहाँ पर नारायण जी जो है फूलों के बागवान में बैठे हुए हैं। इस घाटी में पंच केदार और पंच बद्री दोनों मौजूद हैं। पंच केदारों में से जो कल्पेश्वर लास्ट केदार बचा हुआ था, फाइनली वहाँ पर भी दर्शन हो चुके हैं और अब देखेंगे यहाँ से आगे की जर्नी कहाँ की होती है। वैसे मैंने सोचा है अब पंच बद्री करने का, वैसे सप्त बद्री है, आई थिंक ज्यादा लोग पंच बद्री ही जानते हैं। तो फाइनली दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से पंडित जी ने यहाँ पे समझाया भी। और एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ, यहाँ पे ये जो मंदिर बना हुआ है ना, देखो कैसी जगह बना हुआ है। नीचे देखोगे बहुत बड़ा सा पहाड़ देखने को मिल रहा है और एक पहाड़ पे बना हुआ है पूरा। मंदिर में दर्शन करने के बाद वापस पुलिया पे फिर से आ चुका हूँ। अब आज तो खैर मैं इधर ही रुकूंगा, या उर्गम में रुकता हूँ या देवग्राम में, देखो कहाँ पे होता है रुकने का। कल ना ध्यान बद्री होते हुए चलेंगे फिर दर्शन करने के बाद। चलो गाड़ी के पास भी पहुँच चुका हूँ, गाड़ी एकदम से सुरक्षित है। आइए थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं पंच केदारों में से पांचवा केदार कल्पेश्वर कैसे पहुँचे।
तो सबसे पहले आपको उत्तराखंड हरिद्वार में पहुंचना होगा। हरिद्वार से चमोली डिस्ट्रिक्ट से होते हुए आपको पहुंचना होगा हेलंग में, और हेलंग से यदि आपके पास पर्सनल वाहन है तो आप इजीली यहां पर पहुंच सकते हैं। यदि आपके पास पर्सनल वाहन नहीं है तो हेलंग से आप टैक्सी ले सकते हैं। सीधे आप लोग पहुँचेंगे उर्गम, तो उर्गम से थोड़ा बहुत आगे पड़ता है देवग्राम। देवग्राम से आप थोड़ा बहुत आगे 100-200 मीटर की दूरी पर आपको ये स्थान मिल जाएगा जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और यहाँ से आप सीधे झूला पुल क्रॉस करते हुए सीधे पांचवे केदार पहुँच सकते हैं। यहाँ पर बात करें रहने खाने पीने की, तो आपको शाम के लिए यहाँ पर देवग्राम और उर्गम में होटल्स और होम स्टे आसानी से मिल जाएंगे, आप लोग रह सकते हैं। तो चलो देवग्राम या उर्गम चलते हैं। गाड़ी को खड़ी करने के बाद अभी मैं देवग्राम में जा रहा हूँ। आजकल ठंड बहुत ज्यादा होने लगी है, बिल्कुल कैप मफलर सभी कुछ लगा लिया है, और मैं आज रुका हूँ देवग्राम में। कल ही दिखाऊंगा पूरा देवग्राम। एंड इसके साथ ही आज के इस वाले वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। कल जाएंगे यहाँ से ध्यान बद्री, क्योंकि यहीं पर है ध्यान बद्री, और उसके बाद फिर अपनी यात्रा को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। लाल गाइस, फिर आज के इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। यदि ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे कल सुबह 7:30 बजे, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद।